हम न्यू बेबलेट लेके आए हैं, काफ़ी ओसम बेबलेट है, अमेजिंग है। इसका नाम है गाइस्ट फैपनिया, टर्बो सीरीज का है और स्टेमिना टाइप है ये। उसके ऊपर चलते हैं, उसका मॉडल नंबर दे रखा है B122 और MQ ब्रांड का देख सकते हो आप। और इसमें इस बेबलेट के चारों टाइप दे रखे हैं, स्टेमिना टाइप, बैलेंस टाइप, अटैक टाइप और डिफेंस टाइप। और इसके साइड में आते हैं और जो इसकी एरो दे रखी है ये इसकी मेटल की बनी हुई है। उसके इस तरफ जाते हैं, उसमें देखो इसकी लेयर दे रखी है और डिस्क दे रखी है, ड्राइवर भी और लॉन्चर भी। हम नहीं चाहते ऐसा लॉन्चर निकले, काफ़ी कूल नहीं है ये। हम इसके बैक साइड पे चलते हैं और GF इसका शॉर्ट नेम है। इसकी GF की लेयर है और 8 की इसकी डिस्क दे रखी है और AB का इसकी ड्राइवर है। और इसके मैन बेबलेट हैं ये दोनों टर्बो सीरीज के। और देखो इसमें लड़ते हुए भी दिखाया गया है इसको। और इसका ग्राफिक्स है जो स्टेमिना टाइप है, और देखो ग्राफिक्स से भी बाहर निकल रहा है, ये काफ़ी पावरफुल बेबलेट है। और चलो इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो तो अब इसे खोलते हैं। तो इसमें इसकी वाइंडर निकली है जो अच्छी नहीं है, इसका लॉन्चर ये भी कूल नहीं है। बताते दिखाते कुछ और हैं और निकालते कुछ और हैं, काफ़ी बेकार है। तो हमें तो इनसे लेना देने, हमें चाहिए लेयर जो देखते हैं। और गाइस देख सकते हो आप कितनी कूल और ओसम लेयर है, क्या कलर है इसमें। और देखो इसके पुश करने पर इसके अंदर के जो ड्रैगन है उसका मुँह भी बंद हो रहा है। इनकी सिस्टम है और इनका क्या कलर है देख सकते हो, ब्लू, ऑरेंज, येलो। और देख सकते हो ये इसमें गैप है तो इसमें कुछ तो निकल उसमें लगता है, जिससे वो और पावरफुल हो जाता है। मुझे इसका नाम तो याद नहीं है। कि बैक साइड जाते हैं, बैक साइड भी काफ़ी ओसम और काफ़ी कलरफुल है। हमें इसकी अगली चीज़ निकालते हैं, डिस्क है देखो काफ़ी हार्ड है, काफ़ी सुंदर है, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है और ये काफ़ी ओसम भी है। और इसकी अब ड्राइवर देखते हैं, इसका ड्राइवर भी काफ़ी कूल है देख सकते हो आप, ऐसे में भी देख सकते हो। ये जब दबती है तो इसकी पावर आती है, काफ़ी ओसम बेबलेट है। तो चलो अब इसे जोड़ते हैं, उसकी स्प्रिंग टाई करेंगे, टेस्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप जुड़ के काफ़ी ओसम लग रहा है, तो काफ़ी ओसम बेबलेट भी है देख सकते हो। चलो तो अब इसकी स्पिन टेस्ट करते हैं। तो अब चलो हम इस फैपनियर की लेफ़्ट आर्म स्पिन ट्राई करते हैं। हम इसकी स्पिन टेस्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग स्पीजों से जो हमारे फर्स्ट सीजन का है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा रेड है, ये भी काफ़ी कूल है। तो चलो इनके अब बैटल करते हैं। तो चलो हम इसे पहले फिरा के देखते हैं कैसे फिरता है। देखो काफ़ी कूल फिर रहा है। चलो हम करते हैं बैटल शुरू। तो देखो काफ़ी बेहतरीन है स्ट्रॉन्ग स्पीगन भी, लेकिन अब देखते हैं रियल चीज़ है नहीं, लेफ्ट आर्म से बस्ट होता है नहीं। और गाइस आप देख सकते हो क्या कूल बस्ट करा उसने, हमने सिर्फ इसे लेफ्ट आर्म हाथ से ही फिराया था तब भी इसने क्या कूल बस्ट करा है। तो अब हम इसकी चलो अब हम इसकी लॉन्चर से ट्राई करते हैं। और हम पे LR लॉन्चर है क्योंकि वो काफ़ी बेकार था हम, और ये काफ़ी पावरफुल लॉन्चर है। और अब इसे टेस्टिंग करते हैं। 3 2 1 गो। तो आप देख सकते हो काफ़ी ओसम फिर रहा है और इसमें स्टैमिना भी खूब है। और अब देखते हैं क्या ये स्ट्रॉन्ग स्पीकर को हरा पाता है, काफ़ी पावरफुल बेबलेट है। आप देख सकते हो इसने हाथ से भी इसको बस्ट करा था और इसने लॉन्चर से भी करा, इससे पता चलता है टर्बो सीरीज का काफ़ी पावरफुल बेबलेट है। तो ये हमारा पहली अनबॉक्सिंग थी। और आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हम आपके लिए ऐसी शानदार अमेजिंग अनबॉक्सिंग लाते रहेंगे बेबलेट सीरीज़ के। तो चलो बाय गाइस।